जो है सात तारीख को सवेरे पाँच बजे से पहली फ्लाइट है उसके सिलसिले में आज तमाम डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाया गया है पाँच फ्लाइट जो पहला दिन जो जाने वाला पाँच फ्लाइट है वो वया जाने वाली है उसके बाद जो है रेगुलर रेगुलर जो फ्लाइट है आठ तारीख से जो है लगातार डायरेक्ट फ्लाइट से विजिटर्स आते हैं यानी हाजियों के साथ जो विजिटर्स रहते हैं उनको इस बार मेरे तरफ से एक लंगर लगाया गया है यानी तीन टाइम का हर दिन सात तारीख से लेकर छः तारीख से लेकर बाईस तारीख तक लंगर लगाया गया है तीन टाइम भी

और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी जना मनोज मनुझ, मनोज जैन साहब के और सीईओ ई ओ खान की और चेयरमैन हमारे रौफ़ साहब की नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाया जाए कंसल्ट तमाम डिपार्टमेंट के जैसे कि कस्टम वाले जैसा हेल्थ वाले जैसा ट्रैफिक वाले जैसा एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले जिन फ्लाइट सेक्शन वाले सबको बुला के जो हर साल जो डायरेक्शन जो काम किया जाता है उस तरीके से काम करना करके एक डायरेक्शन दिया गया है उस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है इस बार टोटल फ्लाइट जो है पहला जो सात तारीख को जो पहला जो फ्लाइट है पांच फ्लाइट्स है पांच फ्लाइट्स मतलब उस दिन पांच फ्लाइट है उसके बाद तीन तीन फ्लाइट है पांच फ्लाइट जो पहला दिन जो जाने वाला पांच फ्लाइट है वो वया जाने वाली है उसके बाद जो है रेगुलर रेगुलर जो फ्लाइट है आठ तारीख से जो है लगातार डायरेक्ट फ्लाइट्स है इस बार के इंतज़ाम अलग तरीके से किया गया है मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हज के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था वजह उसकी क्या हो गया था ये जो हज भवन जो हज घर जो है उसको कोविड को दिया गया था उसके लिए थोड़ा डैमेजेस हो गया था एकदम से हट जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ गया था इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं उसका इंतज़ाम अच्छी तरीके से इस बार किया गया नहीं खाने, खाने का हाजियों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनका इंतज़ाम कराया जाता है वो तो हर साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है जो विजिटर्स जो है उनका खाने का इंतज़ाम नहीं होता है अभी एक हाजी के पीछे कम से कम पाँच जन रहते हैं ऐसा करके कम से कम एक पंद्रह से बीस हज़ार पच्चीस साल तक भी विजिटर्स आते हैं यानी हाजियों के साथ जो विजिटर्स रहते हैं उनको इस बार मेरे तरफ से एक लंगर लगाया गया है यानी तीन टाइम का हर दिन सात uh, तारीख से लेके कर छः तारीख से लेके कर बाईस तारीख तक लंगर लगाया गया तीन टाइम भी नाश्ते का दोपहर का खाने का और रात का खाने का जितने भी आदमी हो रुकावट नहीं है कितने भी आदमी हो तीस सौ चालीस सौ पचास सौ कितने भी आदमी हो तीन टाइम भी नॉन वेज पका के अच्छा से अच्छा जो हम लोग जो खाते वैसा बेहतरीन खाना जो विजिटर्स को खाना करके उसके लिए एक लंगर लगाया गया है वो मेरी तरफ से सरकार की तरफ से नहीं वो मेरी तरफ से लगाया गया कम अज कम पच्चीस हजार रहते रोज के कम अज कम पच्चीस तीन टाइम भी सब डालेंगे तो तीस हजार लगातार समझो बाईस तारीख तक यानी सात तारीख से लेके बाईस तारीख मतलब कम से कम एक पंद्रह दिन पंद्रह दिन तक हज जो सक्सीड हो रहा है वजह उसकी कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं कोई मंत्री की वजह से नहीं कोई चेयरमैन की वजह से नहीं ये हज कैम्प जो सक्सीड होता है उसका मूल कारण जो है हमारे पोलिया हमारे जो कंसल्ट ऑफिसर जो है जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब काम दम दमदा छोड़ के लगातार इधर ही इस काम में लगे हुए हैं जैसे हमारे सी है हमारे सरफराज खान साहब वो भी इस काम में लगे हुए हैं उनके साथ साथ में जो वॉलेंटियर जो है हज़ारों तैदार में वॉल्टियर जो है वो दिन रात दो महीने सब कुछ छोड़ के उनकी रोज़ी रोटी छोड़ के जो भी वॉल्टियर जो है कोई पैसे वाला नहीं है मिडिल क्लास है अगर वो लोग कमाएंगे तो महीने का जो है उनको जो सैलरी आती है उसमें ही गुजरना चलना

इससे पहले भी कम से कम लगातार पंद्रह बीस साल से हमारा जो ट्रांसपोर्ट के जो बसेस में हम लोग जो भेजते उसके अंदर रहीम खान साहब के भी बसेस हैं इनका जो स्कूल चलती है एजुकेशन फील्ड में है वो एजुकेशन फील्ड में जो बसेस होते हैं वो भी लगातार कम से कम पंद्रह बीस साल से बसेस भेजते रहे और खिदमत कोई दिखा के करता है कोई छुपा के करता है यानी हमारे रहीम खान साहब जो है छुपा के खिदमत करते आ रहे थे तो पिछली बार आपने को जो है उमरा सर बड़े पैमाने पे तकरीबन साठ सौ ने हज़ार पचास जन को उमरा भेजा वजह भेजने की क्या है जो बीस पच्चीस साल से जो हाजों की जो खिदमत की है वही अल्लाह का घर नहीं देखेंगे तो कैसा करके उनको जो अल्लाह का घर का दीदा दीदार नहीं करे जिसकी ताकत नहीं है वैसा को आइडेंटिफाई करके हज़ार पचास जन को मैं उम्र के लिए भेजा था यानी मैं नहीं भेजा हुआ अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत कबूल करके जरिया मुझे बनाया था जब तक अल्लाह मियाँ का जब तक बुलावा नहीं आता कोई मैं कलाल नहीं जा सकता उधर मेरे को जरिया बना के अलामिया ने उनसे बुलाया था और मेरे को अभी माहिती है कि और चंद वॉल्टियर्स नहीं जा चुके अल्लाह का घर का दीदा नहीं किया रही है वैसे उनको आइडेंटिफाई करके इन श्ला मैं एक दो चार महीने के अंदर उनको भी भेजने की जदजद कोशिश करता हूँ टोटल आठ हज़ार एक सौ चालीस परसात कोटा था आठ हज़ार एक सौ चालीस पर था यानी हमारे जो अपलिकेशन अप्लीकेशन है हमारे को आठ हज़ार एक सौ चालीस प्रसाद कुछ एप्लीकेशन है हमारा जो कर्नाटका का जो कोटा था सात हज़ार नौ सौ चिल्लर कोटा था यानी वो कैंसलेशन डेढ़ सौ कैंसिलेशन होने की वजह से उधर सही हो गया यानी एक्सेस भी नहीं है बराबर भी नहीं है बराबर हो गया इससे जो इंतज़ाम होता है इमिग्रेशन का रहने दो कस्टम का रहने दो वही मीटिंग बुलाया गया था जो हर तरीके से हर टाइम जो हाजियों को भेजते हैं उसका हज टर्म अलग रहता है अलग कस्टम का अलग होता है अभी समझो एस बी आई बैंक वालों को बोले थे अभी हाजियों लोग को जाना तो करेंसी चेंज करना उनका एक काउंटर डालना करके डायरेक्शन दिए अभी कस्टम का रहता है अभी कस्टम में जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है आने में क्या करते हैं और को जो है तकलीफ़ देते हैं कि बुरख़ा निकालो ये निकालो आप दिखाओ कुछ सोना लेके ये करके वो सब नहीं करना करके डायरेक्शन दिए गए पिछली बार जो हर तारीख हर साल जो चलता है उसी तरह से इस साल भी चलता है आज हज कमेटी में यहाँ पे हज जो हाजी भाई यहाँ से जाते हैं तो आज बहुत ही सीरियस मीटिंग हुई है जिसमें हमारे स्टेट के मिनिस्टर हाउसिंग और मायनरिटीज़ वेलफेयर वक्फ जमीर साहब भी साथ थे और हमारे हज के चेयरमैन राव भाई भी थे और साथ ही हमारे जैन सर भी जो सेक्रेटरी हैं हमारे मायनोरिटी के और साथ ही हमारे सीईओ और हज कमेटी के सभी मेंबर सभी प्रेजेंट में एक अच्छी सी मीटिंग हुई है जो ख़ासकर हाजी भाइयों को लेके, जिसमें एयरपोर्ट के पूरे अथॉरिटीज़ को बुलाया गया था जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं जो पूरा वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं एयरलाइंस वालों को बुलाया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया था पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस तरह से कस्टम डिपार्टमेंट ताकि हाजी भाइयों को तकलीफ़ ना हो तो उसके लिए बहुत ही मीटिंग हुई है तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हुई है सभी को जो जो डायरेक्शन देना है हम सभी मिल उनको डायरेक्शन दिए हैं तो वो भी बहुत कॉपरेट करते हैं क्योंकि इस बार हमारे हाजी भाई बढ़ गए हैं लास्ट टाइम तीन हज़ार थे इस बार कम से कम सात हज़ार तक हो गए हैं तो इसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट सभी तरीके का ट्रांसपोर्ट फ़ूड का और ज़मीर भाई हर साल जिस तरह से एक लंगर चलता है तो इस बार भी वो ज़िम्मेदारी लिए हैं कम से कम 10 से पंद्रह हज़ार जो हाजी भाई को छोड़ने आते हैं बेंगलुरु से बाहर से पूरे स्टेट से रोज़ाना वो खाने का इंतज़ाम भी हर साल की तरह इस बार लिए हैं बसेस तो उनके हमेशा जब से हज कैंप चालू हुआ है जब से उनके बसेस न्यू ब्रांड बसेस चलते हैं तो मैं है, ज़मीर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ देखिए इस साल 2023 का जो हज होने जा रहा है इसमें सबसे बड़ा रोल यार जो निभाते हैं एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरा वैलेंटर्स सब वैलेंटर्स का इतना बड़ा योगदान होता है हज कैंप में क्योंकि हमारे लगेज सेक्शन हो फूड सेक्शन हो ट्रांसपोर्ट सेक्शन हो ये कंटिन्यू 20 साल से करते आ रहे लोग तो इसमें कोई सरकार बदलने से कोई इसमें दोहराई नहीं आएंगी ये सरकार तो बदली है और बात है लेकिन अलहमदिल्ला इस हज़ार दो हज़ार तेईस में जो हमारे आठ हज़ार एक सौ अड़तालीस जो अपलिकेशन आए थे उसमें सात हज़ार नौ सौ चिल्लर लोग इस साल इन शह हज को जाने वाले हैं और आज की जो मीटिंग थी ये मीटिंग में हमारे मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और हमारे एक्स जो हज कमेटी के मिनिस्टर थे प्रजेंट जो मिनिस्टर है बी सी जमीर ख़ान साहब हमारे जे एन जी सेक्रेटरी ई ओ सरफराज खान साहब तमाम मेंबर्स मिलकर के इस मीटिंग लिए और पूरा जो है आज यहाँ पे स्टाफ मौजूद था जहाँ एयरपोर्ट हो कस्टम हो पुलिस ट्रैफिक हो पुलिस का अरेंजमेंट हो ट्रांसपोर्टिंग हो तमाम चीज़ों पे आज बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी तरीके से मीटिंग हुई है तो इस साल भी हमारा जो भी हज को जाने वाले लोग हैं उनका बहुत अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट होगा इसमें कोई दोहराई नहीं है और पहला जो फ़्लाइट हमारा सात तारीख देर रात जाने वाला है छः को इोग्रेशन होने वाला है तो बाईस तारीख तक ये सिलसिला चलते रहा और दूसरी बात जो मंगलूर के हाजी जो आ, मंगलूर से जाने वाले थे वो ख़ास तौर पर मंगलो एयरपोर्ट से नहीं जा पाएंगे कन्नूर से जाएंगे और कुछ लोग हमारे बंगलुर से जाएंगे जैसा कि बीदर गुलबरगा रायचूर है वो हैदराबाद से हाजी जाएंगे यहाँ के जो हाजी है वो बंगलुर से जाएंगे गोवा से जाएँगे नहीं गोवा से नहीं जाएंगे हाजी में, में कौन आएंगे इस बार सेंट्रल से जो है वो हाजियों जो भी जाते हैं उनकी चॉइस दे दी हैदराबाद से जाना चाहता हैदराबाद जा बेंगलोर वाला अगर दिल्ली में है तो दिल्ली जैसे जा सकते सकता है उनको ऑप्शन दे दिया हाजियों को इस बार ऑप्शन दे देगा आप जिधर से भी किधर से भी जा सकते हैं तारीख को शाम में हमारे मान्य मुख्यमंत्री सिद्धाराम जीशन Porque se ríe a के तरफ से लंगर जा रहा। पिछले नहीं गए साल का जो हज हुआ है कोविड की महामारी की वजह से हमें भी पता नहीं था कि कन्फर्म होगा या नहीं होगा हमको आठ दिन पहले शेड्यूल मालूम कराए सऊदी हुकूमत हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो तो बहुत शॉर्ट टाइम था और बहुत कम हाजी थे लगभग तीन हज़ार के आसपास हाजी थे मौका नहीं मिला हालांकि जमीर भाई की बहुत ख़्वाहिश थी कि उस समय भी लंगर लगा सकते थे लेकिन हमारे पास वक्त कम रहने की वजह से लंगर नहीं लगा सके लेकिन हर साल जैसे लंगर लगा रहे हैं इस साल भी इन रोज़ बीस से पच्चीस हज़ार पच्चीस से तीस हज़ार लोग क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आने वाले हैं क्योंकि स्टेट जितने भी हमारे कर्नाटक स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग हैं वो भी स्कैम्प देखने के लिए आ रहे हैं तो शायद लोग की तादाद बढ़ जाएगी लगभग तीस हज़ार लोग रहेंगे जैसा कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो लंच हो डिनर हो ये जो अरेंजमेंट किया है लंगर का इनको मैं हज कमेटी की तरफ से एक चेयरमैन के हिस्से से बहुत मुबारकबाद देता हूँ उन्होंने अपना पर्सनल कर रहा है और दूसरी बात यह है कि हर साल 20 साल से जब भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का होता है तो नए बसेस का इनाग्रेशन यहीं करता है जमीन खान साहब और आज इस कैंप में भी नए बस का इनाग्रेशन जो ट्रांसपोर्टिंग है वो उनका ही रोल होता है तो ऐसे दो तीन मामले हैं जो जमीन खान साहब बहुत लीड लेके काम करते हैं तो इसके लिए मैं स्ट्रेट हज कमेटी की तरफ से मेरी हज कमेटी चेयरमैन की हिशत से उनको बहुत मुबारकबादी देता हूं कि इस साल उन्होंने बहुत हमारे हज कमेटी को सपोर्ट किया है हमारे हज कमेटी में जो भी काम करना है उस काम करने के लिए काम कर रहे है